Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point, Zid Se Jeet Tak. Hi, everyone. देखिए हमारी सोसाइटी इज मॉडर्न इनफ टू टॉक अबाउट स्पेस टूरिज्म राइट स्पेस टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी कंपनी स्पेस टूरिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनका मेन मकसद स्पेस टूरिज्म के लिए जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रहे हैं उसका मेन मकसद एक ही है दैट इज टू हैव ह्यूमन सेटलमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑन मार्स एंड मून राइट मेन टारगेट वही है ये बाकी सारी जितनी भी हो रही हैं ये है उससे जो फंडिंग होती है, है ना? इस टाइप की चीजें इसका सेकेंडरी एक मोटिव साथ में है मेन मोटिव कोई भी जो भी स्पेस ट्रेवल की बात कर रहा है वर्ल्ड वाइड राइट उसका एक ही मकसद है टू हैव सेटलमेंट ऑन मून एंड मार्स राइट नेक्स्ट टारगेट वही है जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी जो कि स्पेस टूरिज्म में काम तो कर रहा है जैसे स्पेस स्पेस एक्स राइट उसकी बात कर कर रहा रहा हूं मैं वो टूरिज्म में काम तो कर है लेकिन उनका मेन मकसद स्पेस टूरिज्म नहीं है राइट right? और उन्होंने अभी तक फिर ऐसी कोई चीज लॉन्च भी नहीं करी है वो सीधा जो है आपका टूरिज्म मून बेस्ड टूरिज्म ही रखने वाले हैं राइट right? जैसे स्पेस एक्स की स्टेटमेंट्स आई है राइट तो इस तरीके से मेन मकसद वही रहेगा राइट right?

राइट right? या फिर पूछा जा सकता है कि कौन से मिशन के थ्रू जा रहे हैं कौन सी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं राइट कंपनी इज दी ब्लू ओरिजिन आगे चलते हैं बच्चे थोड़ा सा स्पेस टूरिज्म के बारे में देखते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ही विल बी द सेकंड इंडियन सिटीजन बाकी इंडियन ओरिजिन लोग तो बहुत गए हैं स्पेस में ही विल बी द सेकंड इंडियन सिटीजन टू गो इनटू द स्पेस फर्स्ट वन वाज द विंग कमांडर राकेश शर्मा इनका नाम आप बचपन से सुनते आए होंगे ना आपकी जीके वगैरह की बुक्स में ये तो आप आप इनसे तो फेमिलियर हैं ये right? sector, ये ये है ही है थोड़ा सा राइट द स्पेस टूरिज्म इज एसेंशियली सेक्शन ऑफ द एविएशन सेक्टर बच्चे ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है स्पेस टूरिज्म इज एसेंशियली नॉट अ देखिए इसको सेक्शन ऑफ एविएशन सेक्टर है स्पेस सेक्टर का ये सब पार्ट नहीं है बिकॉज आप जिसमें फ्लाइट लेते हो दे टेक ऑफ लाइक अ नॉर्मल फ्लाइट राइट और इसके अलावा ये सब ऑर्बिटल ही है मोस्टली और जो ऑर्बिटल वाली है दे ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ मैं अभी बट आप आपको टाइप्स भी बता दूंगा राइट right? बट ये वाली मोस्टली फ्लाइट सब ऑर्बिटल है दैट कि ये एविएशन की कैटेगरी में आएगा दे डू नॉट गो इन टू दी डी स्पेस अभी हम देखेंगे भी कर्मन लाइन को जस्ट क्रॉस करती हैं ये चीजें आइए विच सीक्स टू प्रोवाइड टूरिस्ट विद ऑपरचुनिटी टू टू बिकम एस्ट्रोनॉट्स एंड एक्सपीरियंस ट्रेड स्पेस ट्रेवल फॉर रिक्रिएशनल लेयर और बिजनेस पर्पसेस राइट

अब फोर हंड्रेड आई किलोमीटर हंड्रेड एट्टी किलोमीटर है इसको भी नीचे ही माना जाता है, station, वो कि ये तरह में नहीं है, falling, है ना? और उसकी जो फॉल है इट इज काउंटेड बाई दर्वेचर ऑफ अर्थ इसीलिए वो फॉल नहीं करता है राइट right? आइए बच्चे एक यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा था कि स्पेस स्टेशन के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर कितनी ग्रेविटी है राइट right? <coughs> अर्थ की वजह से तो अर्थ की वजह से ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था कि अर्थ की वजह से उतनी ही ग्रेविटी है उसके ऊपर बस वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कैंसल आउट हो जाती है वहां पे बट ग्रेविटी उतनी ही है राइट चलिए सेकंड ऑर्बिटल टूरिज्म ऑन द अदर हैंड एंडेज रिमेनिंग इन स्पेस फॉर एटलीस्ट वन फुल ऑर्बिट ऑर्बिट माने एक बार पूरा ऑर्बिट एटलीस्ट वन फुल ऑर्बिट इसको हम कह देते हैं ऑर्बिटल राइट ये दो टाइप का है आगे चलते हैं बच्चे स्पेस टूरिज्म के मैं अगर आपको थोड़े से स्टैट्स बताऊं तो 2023 के अंदर जो इसकी मार्केट वैल्यू थी वाज वैल्यूड एट 848 मिलियन ये बिल्कुल जो डेटा इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 27,000 प्लस मिलियन बाय 2032 राइट इन लेस देन अ डेकेड राइट हाउएवर देर आर सेवरल चैलेंजेस सच एज हाई कॉस्ट इन्वायरमेंटल कंसर्न दैट में लिमिट द इंडस्ट्रीज ग्रोथ राइट इनपुट आउटपुट रेशो आपको देखना पड़ता है इस टाइप की चीज में

spacex boeing Axiom space and space perspective right in this virgin galactic or blue origin jai, they are focused on suborbital flights they are easier to achieve however spacex is prioritizing lunar tourism in the future right so this is how the industry is moving forward these days and other than that space tourism cause the challenges hai, i have written here you can uh, pause the video and take a screenshot of this right and as of now thank you so much thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs Number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024